अमरावती क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 3 जिलों में पशु गाड़ियों में जानवर चोरी करने वाले शातिर अपराधी अकुला निवासी अब्दुल जब्बार अब्दुल कादिर को गिरफ्तार किया है। इन दो आरोपियों से करीब 7,12,000 की सामग्री भी जब्त की है। महाराष्ट्र के अमरावती के ग्रामीण लोकल क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 3 जिलों में पशु गाड़ियों में जानवर चोरी करने वाले एक शातिर अपराधी जिसकी तलाश तीनों जिलों में थी उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उसे अमरावती के वॉलकट कंपाउंड से हिरासत में लिया है। पुलिस द्वारा आरोपी से कड़ी पूछताछ करने पर उसने 14 घटनाओं को अंजाम देने की बात की है। पुलिस ने आरोपी अब्दुल जब्बार के साथ आमिर को भी गिरफ्तार किया है। मामले में और कई अपराधियों की गिरफ्तारी होने की आशंका पुलिस ने व्यक्त की है। जी, ये बराबर है कि अमरावती यूनिट में अंजनगांव दरियापुर अचलपुर ये परिसर में जानवर चोरी की कुछ घटनाएं बढ़ गई थी। उस हिसाब में जब हम काम कर रहे थे तो ऐसा पता चला कि अब्दुल जब्बार अब्दुल कादिर नाम का एक बंदा जो अकोला का है, ताजना पेट एरिया का रहने वाला, उसको वो इस घटना में इन्वॉल्व है। जब उसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की तो आज हमको पता चला कि वो अमरावती आया है। तो उसको वॉलकट कंपाउंड से हमने आज उसको जब हमारे ताबे में लिया और जब उसको काफ़ी पूछताछ की तब पता चला कि उसको नियरली 14 घटना में शामिल है। उसने उन 14 घटनाओं की कबूली भी दी है। उसके साथ उसको मदद करने वाले 3 और आरोपी हैं जिसमें से एक आमिर नाम का बंदा हमने आज उसके साथ ही ताबे में लिया है और 2 जो बंदे हैं वो उसमें से एक अकोला में अटक है और दूसरा अभी अचलपुर का लल्ला नाम का जो है वो फरार है। अभी हम इन सबको जो बचे 2 है उनको ताबे में लेने की हमारी प्रक्रिया चल रही है। अभी ये जो 2 अभी ताबे में लिए हैं उनके पास से हमने एक जो स्विफ्ट डिज़ायर कार है और एक स्कॉर्पियो है, ये 2 व्हीकल हमने जब्त किए हैं और ये दोनों व्हीकल जो जानवर चोरों की घटना है उसमें यूज़ हुए हुए हैं। तो अभी इन आरोपियों की मोडस देखते हुए ये आरोपी अमरावती के अलावा बुढ़ाना और अकोला में भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इनके बारे में उनको अभी पूछताछ चालू है, साथ ही इनके और भी साथी होने के भी चांसेस है, उनको भी हम अरेस्ट करने की कोशिश करने वाले हैं। वहाँ के चांसेस कम है क्योंकि जो इनका जो एरिया है काम करने का वो अकोला बुढ़ाना बॉर्डर और अमरावती बॉर्डर का है। अगर वहाँ से देखा जाए तो हम MP काफ़ी दूर है, फिर भी अगर हम उस हिसाब से भी उनको पूछताछ करने वाले हैं, अगर वहाँ कुछ उनका उधर के एरिया में कुछ इन्वॉल्वमेंट है वो भी हम उजागर कर लेंगे। बिल्कुल चांसेस है। अभी जो 14 घटना है, 14 घटना ये 4 ही आरोपी करेंगे ऐसा हम बोल नहीं सकते। अभी एक दिन में जो हमने इंट्रोगेशन किया उस पर से ये 4 आरोपी निष्पन्न हुए हैं, आगे की जांच में वो भी बढ़ने की संभावना है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी की अकोला बुढ़ाना और अमरावती जिले में तलाश जारी थी जिसे बड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश श्रृंखलवार की रिपोर्ट।